नमस्कार, मैं अनामिका। आज है 29 सितंबर। चलिए बढ़ते हैं आगे खबरों की ओर। पटना में लगातार हो रही बारिश की वजह से आम लोगों की दिनचर्या हुई मुश्किल। लगातार हो रही बारिश की वजह से परेशानी बढ़ने की आशंकाओं से लोग सहमे हुए हैं। पटना के हनुमान नगर, कंकड़बाग, बोरिंग रोड, अगम कुआं एवं बहादुरपुर रोड के साथ कई इलाके पूरी तरह से भरे हुए हैं। इसके अलावा पटना के कई अन्य इलाकों में भी हालात इसी तरह की है, जिसके कारण कई इलाकों एवं कॉलोनी के लोगों का जीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है। पटना नगर निगम ने जारी किया हेल्पलाइन नंबर। पटना नगर निगम ने बारिश एवं जल जमाव की स्थिति देखते हुए हेल्पलाइन नंबर जारी किया है, जो कि 1800345664 है। वहीं जिलाधिकारी ने भी कंट्रोल रूम का नंबर, जो कि 0612221910 जारी कर दिया है, जिस पर फोन करके आप अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। राजधानी में दो दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी तेज तो कभी धीमी गति से पानी बरसने के कारण पूरा शहर जलमग्न हो गया, जिसके मद्देनजर जिलाधिकारी कुमार रवि ने सुबह ही संदेश जारी कर सभी सरकारी एवं निजी विद्यालय को बंद करने का आदेश दिया है। वहीं शनिवार को पाटलिपुत्रा विवि में होने वाली बीएड पार्ट 1 की परीक्षा भी स्थगित कर दी गई है। बारिश के कारण धीमी हुई ट्रेनों की रफ्तार। बिहार में लगातार हो रही बारिश ने रेल की रफ्तार पर रोक लगा दी है। समस्तीपुर दरभंगा रेल लाइन पर किशनपुर रामभद्रपुर के पुल नंबर 12 के पास की जमीन धंसने के कारण कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। वहीं पटना से खुलने वाली कई ट्रेनों के परिचालन में भी समय में बदलाव कर दिए गए हैं। इधर आरा सासाराम पटना रेलखंड पर भी पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। समस्तीपुर लोकसभा सीट से रामचंद्र पासवान के बेटे प्रिंस राज होंगे उम्मीदवार। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर लोक जनशक्ति पार्टी ने उम्मीदवारों के नामों की सूची तैयार कर ली है। इसी साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए में सीट बंटवारे के बाद एलजेपी के हिस्से में समस्तीपुर लोकसभा सीट आई थी। यहां से पार्टी अध्यक्ष रामविलास पासवान के भाई रामचंद्र पासवान ने जीत दर्ज की थी। रामचंद्र पासवान के गुजर जाने के बाद यह सीट खाली हो गई थी। अब उसके पश्चात उनके बेटे प्रिंस राज वहां से चुनाव लड़ेंगे। डीजीपी ने पटना एसएसपी कार्यालय में लगाई अधिकारियों की क्लास। बिहार के डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने पटना एसएसपी कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई। डीजीपी पटना के नौबतपुर, बेहटा, विक्रम और पालीगंज के इलाके के हाल ही के दिनों में हुए घटना को लेकर चर्चा कर रहे थे। डीजीपी बिहार के विभिन्न जिलों का दौरा कर पुलिस अधिकारियों की क्लास लगा रहे हैं। बारिश से लोग हुए परेशान, मंत्रियों के घर में भी घुसा पानी। वर्षा के दिनों में लगातार बारिश होती है, लेकिन केवल 24 घंटों तक लगातार बारिश होने की वजह से बिहार की राजधानी पटना में हर कोई परेशान है। कहीं कमर तक पानी है तो कहीं इससे भी अधिक हो गया है। स्थिति तो यह है कि बहुत सारे मंत्रियों के घरों में जल जमाव के हालात पैदा हो गए हैं। बिहार के पटना समेत पूरे राज्य में अलर्ट जारी। राजधानी पटना समेत बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले 2 से 3 दिनों तक बिहार के कई जिलों में रेड अलर्ट जारी ही रहेंगे। जिले के मुख्य सचिव दीपक कुमार ने कहा है कि बाढ़ प्रभावित इलाकों के निचले हिस्सों में ट्रैक्टर एवं बसों की व्यवस्था की जा रही है, जिससे लोगों को वहां से निकाला जा सके। पटना एनएमसीएच की बिजली काट कर मरीजों को बाहर निकाला जा रहा है। जहां आपदा विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत ने बताया कि एनएमसीएच के हालात पर नजर रखी जा रही है एवं वहां से मरीजों को निकाला जा रहा है। एहतियात के तौर पर वहां की बिजली काट दी गई है, ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना न हो, लेकिन पानी कम होते ही बिजली फिर से चालू कर दी जाएगी। बता दें कि एनएमसीएच अस्पताल में बारिश का पानी वार्ड के अंदर घुस जाने से बीती रात सभी वार्ड से मरीजों को हटाकर पीएमसीएच भेजा जा रहा है। 24 अक्टूबर से चलेगी मुंबई बरौनी से स्पेशल पूजा ट्रेन। दिवाली छठ में घर आने वालों के लिए खुशखबरी। पूजा के समय ट्रेनों में बढ़ती भीड़ के मद्देनजर रेलवे विभाग ने 24 अक्टूबर से 8 नवंबर तक मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल और बरौनी के बीच पूजा स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। पूजा स्पेशल गाड़ी संख्या 011133 लोकमान्य तिलक टर्मिनल से बरौनी के लिए सप्ताह में सिर्फ एक दिन, यानी कि प्रत्येक गुरुवार को सुबह 5:10 पर खुलेगी। अगले दिन सुबह 9:35 पर वह पाटलिपुत्रा पहुंचकर लगभग 3 बजे बरौनी पहुंच जाएगी। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भाजपा सांसद सीपी ठाकुर ने दिल्ली में की मुलाकात। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से भाजपा सांसद सीपी ठाकुर ने दिल्ली में की मुलाकात। डॉक्टर ठाकुर ने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू से आगामी 11 से 12 नवंबर को हंसराज कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय में होने वाले भाषा सहोदरी संस्था के 7वीं वार्षिकोत्सव पर आयोजित 2 दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन करने का आग्रह किया है, जिसमें सेमिनार में होने वाली बातें, जो कि अंग्रेजी की अनिवार्यता समाप्त कर हिंदी भाषी लोगों को परीक्षा में रुकावट से निजात दिलाने की मांग की है, एक समान शिक्षा को लागू कर देश के सभी छात्रों को शिक्षा दिलाने को कहा। लगातार हार के बावजूद महागठबंधन एकजुटता के बजाय दिखा रहा है बिखराव।
लगातार हार के बावजूद बिहार में आगामी उपचुनाव के सीटों के बंटवारे को लेकर महागठबंधन एकजुट होने के बजाय बिखराव की स्थिति की राह पर है। हालांकि बिखराव की खबरों के बीच राजद नेता रघुवंश प्रसाद ने भी कहा था कि एनडीए को हराने के लिए अभी एक ही विकल्प है कि जितनी भी छोटी पार्टियां हैं वो राजद में विलय कर ले, जब तक हम मजबूत नहीं होंगे एनडीए को नहीं हरा सकेंगे। बिगड़ी बात बनाने के नजरिए से सिंह ने कहा है कि हम लोग सभी महागठबंधन में हैं और आगे भी रहेंगे। राजद ने मांझी और मुकेश सहनी पर कसा तंज। राजद ने पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी और वीआईपी के मुकेश सहनी पर तंज कसते हुए कहा है कि राजद अब हम और वीआईपी के नखरे नहीं झेलेगा। उपचुनाव में उम्मीदवारों की घोषणा के बाद राजद ने इन दोनों के लिए बाहर निकलने का रास्ता खोल दिया है। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता रघुवंश प्रसाद सिंह ने हम और वीआईपी को राजद में विलय की सलाह दी है। साथ ही शिवानंद तिवारी ने कहा है कि नाथनगर में उम्मीदवार देकर मांझी अपनी ताकत आजमा ले। सोलर ऊर्जा में बेहतर बन रहा है बिहार। बिहार विधानसभा अध्यक्ष 64वें राष्ट्रमंडल सम्मेलन कंपाला के उद्घाटन सत्र के दौरान जलवायु परिवर्तन पर उपलब्धियां, चुनौतियां और विधायिका के हस्तक्षेप के प्रभाव पर आयोजित कार्यशाला को संबोधित करते हुए बिहार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि मौजूदा समय में जलवायु परिवर्तन से निपटने में भारत के प्रयास सराहनीय है। हम लोग इस दिशा में काफी सक्रिय है। ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोत सौर ऊर्जा के लिए फ्रांस के साथ अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हुआ है। सोलर ऊर्जा के क्षेत्र में बिहार में भी उल्लेखनीय प्रयास हुए हैं। अपने बयानों पर सफाई देते दिखे गिरिराज सिंह। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह आए दिन अपनी सहयोगी पार्टी के साथ साथ विपक्ष पर निशाना साधने से चूकते नहीं हैं। हाल ही में अपने बयानों पर सफाई देते हुए केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं वही बोलता हूं जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे सच बोलने का कोई और तरीका नहीं आता, मैं हमेशा सीधा बोलता हूं। गौरतलब है कि सीएम नीतीश कुमार ने भी इधर लगातार गिरिराज सिंह और अपने खिलाफ बोलने वाले नेताओं पर निशाना साधने में जुटे हुए हैं। भारी बारिश के मद्देनजर नीतीश कुमार ने की बैठक। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में हो रही भारी बारिश को लेकर जारी की गई निर्देश के मद्देनजर समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि नेपाल में अगर ज्यादा बारिश होती है तो गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती सहित पूरा उत्तर बिहार प्रभावित होगा। भागलपुर में जल स्तर बढ़ने का क्या कारण है? सिर्फ बारिश के कारण ही जल स्तर नहीं बढ़ सकता है, इसे भी विशेष रूप से समझना होगा। भागलपुर के अलावा खगड़िया में भी सचेत रहने का निर्देश दिया है। पटना के राघवेंद्र ने राज्य विद्यालय बैडमिंटन में वैशाली के तुषार सेतु को हराया। मुजफ्फरपुर में आयोजित राज्य विद्यालय बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंदर 19 में पटना के राघवेंद्र ने खिताब जीतने का गौरव हासिल किया। राघवेंद्र ने वैशाली के तुषार सेतु को 18-21, 21-12 व 21-11 से पराजित कर यह उपलब्धि हासिल की है। पटना नगर निगम की बारिश ने खोली पोल। पटना की हर सड़कें पानी पानी हो चुकी हैं। बारिश की वजह से तो पहले ही लोगों का जीवन दुभर हो चुका है, जिसके बाद सड़कों व नालों का पानी लोगों के घरों और मोहल्लों में घुस चुका है, जिसकी जवाबदेही नगर निगम की है कि केवल 3 दिन से लगातार हो रही बारिश से सड़कें डूब चुकी हैं। केवल टैक्स एवं वोट की चिंता तो नेताओं एवं नगर निगम को रहती है, लेकिन नाली व सड़कों की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि सड़कों पर आदमी दिखाई नहीं दे रहे हैं। बता दें कि पटना शहर के कई हिस्सों को डूबने से बचाने के लिए सरकार हर वर्ष करोड़ों रुपए खर्च करती है, जिसके बावजूद ये भी हालात है। तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान को कहा बालहट में अपने पिता और चाचा को पद से हटा रहे हैं। राजद नेता तेजस्वी यादव ने बिहार प्रदेश लोजपा के नए कमान लेने वाले रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान पर जोरदार तंज करते हुए कहा है कि चिराग जी भाजपा के आरएसएस के बाल योग शिविर में सीखी गई क्रियाओं को अपने घर में लगाना शुरू कर दिए हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने अपने बालहट की वजह से अपने पिता रामविलास पासवान और चाचा पशुपति पारसनाथ को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा रहे हैं। जलालपुर प्रखंड के अशोकनगर गांव में सोंधी नदी का बांध टूटा। सोंधी नदी के पानी के भारी दबाव के कारण यह बांध टूटने की वजह से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो चुका है। बताया जाता है कि छपरा शहर के ब्रह्मपुर के पास बने तवा को खोलने की वजह से बांध के नजदीक पानी का भारी दबाव अचानक बन जाने से देखते ही देखते करीब 20 फीट में बांध टूट गया है, जिसकी जानकारी मिलने पर जिला प्रशासन इसे ठीक करने की कोशिश में लगी हुई है। सीएम नीतीश ने बुलाई आपात बैठक। बारिश की वजह से बिगड़े हालातों का हाल लेने के लिए सीएम नीतीश कुमार ने आपदा प्रबंधन विभाग की बैठक बुलाकर जिलों के डीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा हालातों की जानकारी ली है, जिसके बाद उन्होंने निर्देश देते हुए कहा कि सोन एवं गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित इलाकों में रिलीफ कैंप तैयार करने को कहा। तेजस्वी ने सीएम नीतीश पर कसा तंज। राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर कड़ा तंज कसते हुए ट्वीट कर सीएम नीतीश कुमार को खरी खरी सुनाते हुए कहा है कि नीतीश जी के अथक प्रयासों के बावजूद भी पटना के 80% घरों में बारिश एवं नालों का पानी घुस चुका है, जिनके बरबोलेपन की भी 15 वर्षों के अंदर किए गए कार्य जनता के सामने है, फिर भी कहते ठीक है।
वीवीएस लक्ष्मण ने रोहित शर्मा को दी ये सलाह, अगर आप अपने नैसर्गिक खेल से ज्यादा छेड़छाड़ करते हैं तो आपको परिणाम नहीं मिलेंगे क्योंकि आपके दिमाग में उलझन हो सकती और आप अपना लय खो सकते हैं। उन्होंने कहा कि जब मैंने पारी का आगाज किया तो मेरी लय प्रभावित हुई, लेकिन रोहित ऐसे खिलाड़ी हैं जो लय में आने के बाद अच्छा प्रदर्शन करते हैं जो कि प्रभावित होने के बाद मुश्किल हो सकती है। बिग बॉस 13 में रश्मि देसाई को मिलने वाली है इतने करोड़ फीस। टीवी के सबसे पॉपुलर रियलिटी शो बिग बॉस 13 की शुरुआत होने वाली है। 29 सितंबर को ये शो टेलीकास्ट हो जाएगा। ऐसे में शो को लेकर कई बातें सामने आ रही है जिसमें एक ये है कि रश्मि देसाई इस बार की सबसे महंगी कंटेस्टेंट में से एक है। जानते हैं आज के मौसम का हाल। औरंगाबाद, मोतिहारी, फारबिसगंज, सुपौल, नालंदा, मधुबनी तेज हवा का झोंका चलेगा और लगातार बारिश होगी। वहीं पटना, मुंगेर, भागलपुर, राजगीर, गया और पूर्णिया में लगातार ही बारिश की बौछार होगी। बीच बीच में गर्जना होने के साथ ही भारी बारिश की संभावना जताई गई है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।